हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो मैं उठ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं निकालूँगी राख। तो चलिए निकालते हैं। ये है मेरी अंगीठी और मैं इससे निकालूँगी राख। मैंने आग जला दी है और अब बनाती हूँ मैं ब्रेकफास्ट के लिए सब्जी। मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह बना दिया है और ये मैं बाहर दिखा रही हूँ कि यहाँ पर पाला पड़ चुका है और जो पानी वाली पाइपें हैं वो भी जम चुकी है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो इसलिए पानी वगैरह भी जम गया है। तो जब तक धूप नहीं आएगी तो पानी वगैरह भी नलके में नहीं चलेगा। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। हम लगा रहे हैं पेड़ों में चूना, बाकी काम हो चुका है हमारा ख़त्म। यहाँ पर हमने चूना भिगोना शुरू कर दिया है। नीचे हमने बोरी रखी हुई है और ऊपर उसके ऊपर हमने चूना डाल दिया हुआ है और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क रहे हैं। देखो कैसा धुआं निकल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। ये धीरे धीरे टूट रहा था चूना और कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है तो इससे भी पता लग रहा है कि चूना कितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये देखो धीरे धीरे ये टूट रहा है और बड़े बड़े पत्थर थे तो ये टूट टूट के छोटे हो रहे हैं। और इसकी थोड़ी देर के बाद बिल्कुल अच्छी तरह से राख बन जाएगी। तो टूटने में ये बहुत अच्छा लग रहा था, फिर मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करना बहुत ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे टूटते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। अब ये टूटेगा तो इसके बाद इसकी राख बन जाएगी। तो मैं आपको राख भी इसकी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। पीछे से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे और ज़ोर ज़ोर से कर रहे थे तो इसलिए मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी और इसलिए मुझे करना पड़ा वॉइस ओवर। तो इसको मैं आपको वॉइस ओवर के साथ शेयर कर रही हूँ और अब मैं दिखाती हूँ कि इसकी राख कैसे बन गई है। तो ये बन चुकी है हमारी राख। सारा पत्थर वाला चूना टूट चुका है और अब ये बिल्कुल राख बन चुकी है। तो अब इसके बाद हम इसको डाल देंगे ड्रम में। तो ये हमने नीला थोथा भी भिगो दिया है, इसको हमने गर्म पानी में भिगोया है ताकि जल्दी से भीग जाए। और अब डाल दिया है हमने इसको ड्रम में। तो ये देखो कैसा धुआं निकल रहा है और इसमें उबाल भी आ रहे हैं। तो ये देखो कैसे उबल रहा है चूना। और जब इसको लगाएंगे तो इसको थोड़ा सा मतलब डंडे से इसको घुमाएंगे ताकि ये पूरा चूना मिल जाएगा। 2000 years later अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं लेबर वाले और अब इस चूना और नीला थोथा को मिलाएंगे और फिर उसके बाद लगाना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मिला रहे हैं। ये बाल्टी से इसको मिला रहे हैं। पहले काफ़ी देर तक इसको मिलाएंगे, फिर ये आंटी इसको बाल्टी में डाल देंगे चूना लगाने के लिए। तो आंटी डाल रहे हैं अब इसको बाल्टी में। तो अब देखो ये आंटी इसको बाल्टी में डाल रहे हैं और फिर बाल्टी भर देंगे और फिर लग जाएगी ये चूना लगाने। तो सबकी बाल्टियाँ भर देंगे आंटी, फिर उसके बाद ये सब लोग चूना लगाने लग जाएंगे। अभी ये सभी लोग यहाँ पर है, कई देख रहे हैं और ये आंटी चूना डाल रहे हैं बाल्टी में और उसके बाद ये सब लोग चूना लगाने लग जाएंगे। और पीछे से मम्मी वगैरह की भी जोर जोर से आवाज़ें आ रही है। बाजे की बारी। बाजे की बाजी।
ठीक है, सूख गया भी है, ठीक है। नीचे से सबसे पहले तना साफ कर दिया है और उसके बाद लगाना शुरू कर दिया है चूना। तो मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी इसलिए इन्होंने चूना शुरू कर दिया था। मैं अंदर किचन में काम करने चली गई थी क्योंकि मुझे बनाना था लंच, तो इसलिए मैं किचन में चली गई थी। तो ये सब लोग लगे हैं चूना लगाने। चूना इन्होंने यहीं से घर के पास से लगाना शुरू किया है। अब इनका हो गया है टी टाइम, तो इसलिए मैं अब चाय लेकर आ चुकी हूँ इनके लिए। देखो इधर चूना लगा रहे नीचे से ये लोग तना तो साफ करते ही है और साथ में थोड़ा थोड़ा पेड़ों को भी साफ करते हैं। तो पहले ये पेड़ों को साफ करेंगे और उसके बाद लगाएंगे ये चूना। तो जैसे ये दीपा लगा रही है, पहले इसने पेड़ को साफ किया, तना साफ किया और अब ये लगा रही है इसमें चूना। तो कुछ इस तरह से लगता है चूना। तो साथ में यहाँ पर खड्डू भी चुभ रहा है। चूना लगाकर हो चुके हैं ये सब लोग फ्री और हमारे पौधे लग रहे हैं कुछ इस तरह के। ऐसा लग रहा है चूना तो लगाया ही है, साथ में इसमें स्प्रे भी चूने की है। हमने लगा दिया बगीचे में चूना और बगीचा अब कुछ इस तरह का लग रहा है। पूरे बगीचे में चूना लगा दिया हुआ है और थोड़ा सा बगीचे में चेंज आ जाता है, थोड़ा बगीचा अलग जैसा दिखता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि हमारा बगीचा किस तरह का लग रहा है।